हाल ही में सर ईश्वर खंडरे जी का मुकाबला किससे? तो लोग जब तक मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, साथ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले या दूसरे कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकता है। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस जो गारंटी कार्ड स्कीम लाई है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को अपना सिग्नेचर करके देना पड़ रहा है? क्या जनता को उन पर विश्वास नहीं है? बीजेपी धोखा दिया है, झूठ बोला है। उन्होंने जो भी वायदे करे थे, जो भी भरोसा दिलाया था, 15 लाख देने का भरोसा दिए, कालाधन लेने देने का भरोसा दिए, कर्ज माफ करने का किसानों को भरोसा दिए, हमारे जिले में बीदर शुगर फैक्ट्री पुनश्चेतन कर तो प्रारंभ कर तो बोल के भरोसा दिए, करे क्या? तो कांग्रेस एक अलग है, हम जो भी बोलते हैं करके दिखाते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से 6 के 6 सीट वो लाएंगे, तो कांग्रेस क्या कर रही है सर? बीजेपी को लोग तय किए हैं कि जड़ से उखाड़ फेंकने का, अब कोई भी ताकत बीजेपी को बचा नहीं सकती। बीजेपी लोगों को धोखा दिया है। टिकट के जो लिस्ट आई थी सर, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस से कोई नाराज नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है बागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। चंद्र सिंह है एग्जाम्पल, और एक शशिकांत पाटिल जी में नॉमिनेशन किया है, तो इसकी क्या वजह है सर? आपका कंट्रोल नहीं है क्या सर कांग्रेस के लीडर्स पर? तो चंद्र सिंह अनुशासन से रहना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट होके बागी होके ठहरना नहीं था। ठहरे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे चंद्र सिंह को विड्रॉ कराने का। आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है ईश्वर खंडरे जी। आज जनक्रांति रैली निकाली गई है भालकी में, और ईश्वर खंडरे जी ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया है। इसी विषय में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं ईश्वर खंडरे जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले ये बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से 6 के 6 सीट वो लाएंगे, तो कांग्रेस क्या कर रही है सर? देखो यार, बीदर ही छोड़ो, कल्याण कर्नाटक ही छोड़ो, पूरे कर्नाटक में बीजेपी संपूर्ण विफल हो चुका है। बीजेपी को लोग तय किए हैं कि जड़ से उखाड़ फेंकने का, अब कोई भी ताकत बीजेपी को बचा नहीं सकती है। अब तक बीजेपी का जो जनविरोधी नीति रहा, जो ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करे, 40% कमीशन सरकार बोल के नाम लिए, उन्हीं के पार्टी के एक गुत्तेदार जो पत्र लिखता है कि मेरा बिल करने के लिए 40% देना पड़ रहा है, मैं तकलीफ में हूँ बोल के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है। पत्र में लिखता है कि अगर मैं मर जाता हूँ, आत्महत्या करता हूँ, तो मेरा जिम्मेदार आत्महत्या का बीजेपी का मंत्री है, तो भी कुछ होता नहीं, वो मरने के बाद भी कुछ होता नहीं। ये क्या साबित करता है कि पूरे लोग तबाह हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी की जो किसानों के बारे में की नीति, उन्होंने कहा था हम किसानों का आदाय डबल करेंगे, क्या करे क्या? फसल बीमा योजना सफल हुआ, वो गोलमाल योजना निकला, और पूरे आवश्यक वस्तुओं का भाव तो पूरा, महंगाई बढ़ गई, गैस का, तुम्हारे पेट्रोल का, डीजल का, आवश्यक वस्तुओं का, तो कैसे गरीब लोग कैसे अपने जीवन कर सकते हैं? सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस जो गारंटी कार्ड स्कीम लाई है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को अपना सिग्नेचर करके देना पड़ रहा है? क्या जनता को उन पर विश्वास नहीं है? देखो यार, बीजेपी धोखा दिया है, झूठ बोला है। उन्होंने जो भी वायदे करे थे, जो भी भरोसा दिलाया था, 15 लाख देने का भरोसा दिए, कालाधन लेने देने का भरोसा दिए, कर्ज माफ़ करने का किसानों को भरोसा दिए, हमारे ज़िले में बीदर शुगर फैक्ट्री पुनश्चेतन कर तो प्रारंभ कर तो बोल के भरोसा दिए, करे क्या? उन्होंने तो बोले से एक भी नहीं करे। अब लोग ऐसा लगता है लोगों को कि अरे भाई, बीजेपी भरोसा बोला किए, बीजेपी वाले वायदा करे, एक भी काम नहीं करे, ऐसे ही कांग्रेस भी कर सकती है। तो कांग्रेस एक अलग है, हम जो भी बोलते हैं करके दिखाते हैं। हमने बोला था अन्नभाग्य कार्यक्रम करते बोल के, हमने करके दिखाया। किसानों का कर्ज 50,000 तक माफ़ करते बोले, हम माफ़ करके दिखाए। दूध देते बोले बच्चों को, दूध दिए। पशुभाग्य योजना बनाए और कृषि भाग्य योजना बनाए, जो भी बोले हैं, जो भी हमने हमारे प्रणालिका में जो है ना, हमने किसानों को, लोगों को कहा था, वो हमने पूरा किया है। बीजेपी लोगों को धोखा दिया है। टिकट के जो लिस्ट आई थी सर, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस से कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है बागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। चंद्र सिंह है एग्जाम्पल, और एक शशिकांत पाटिल जी में नॉमिनेशन किया है, तो इसकी क्या वजह है सर? आपका कंट्रोल नहीं है क्या सर कांग्रेस के लीडर्स पर? देखो भाई, आकांक्षी तो बहुत लोग होते हैं, सीट एक ही होता है MLA का, तो ऐसे में दावेदार भी बहुत होते हैं, योग्य भी होते हैं,
अशोक केनी भी थे, चंद्रा सिंह भी थे और दूसरे कोई भी कई दिग्गज लोग थे, लेकिन पार्टी ने अशोक केनी को देने का डिसाइड किया। तो चंद्रा सिंह अनुशासन से रहना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट होके बागी होके ठहरना नहीं था। ठहरे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे, चंद्रा सिंह को विड्रॉ कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल है आपसे, भालकी में सर ईश्वर खंडे जी का मुकाबला किससे है? अरे भाई, जनता को पूछिए आप, जनता क्या बोलता है। हम ईमानदारी से काम किए हैं, सेवा किए हैं, भालकी का डेवलपमेंट किए हैं, लोग हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं। तो लोग जब तक मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, साथ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले या दूसरे कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकता है।